19 तारीख को मैंने इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के इस विशाल परिवार में मैंने योगदान दिया और इस परिवार में आने के बाद मुझे एक ऐसी खुशी, एक ऐसी माहौल, एक खुशनुमा वातावरण मैंने महसूस किया जो कि मैं 14 वर्ष संघर्ष करती रही अपनी जेएमएम पार्टी में। मुझे वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी और मेरे जो बाबा है, जो इस झारखंड को अलग राज्य बनाए, और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का योगदान अलग राज्य बनाने में अहम भूमिका थी। पूरे झारखंड की संगठन, पूरे झारखंड का विकास, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यकों का विकास कैसे हो, उसके लिए ये झारखंड अलग राज्य बनाया गया। लेकिन ये सपना उनके लिए अधूरा ही रह गया। उनकी सपना को पूरा करने के उद्देश्य से मैं इस पार्टी में, मैंने जेएमएम के पार्टी में मैंने कदम रखा था, जो अपनी घर की पार्टी और अपना परिवार का पार्टी, अपना सभी संगठन को मैंने अपने परिवार जैसे माना और देख के चला। लेकिन उनके जो सपना है उस पार्टी में भी मैंने पूरा नहीं कर पाए। उनके निधन के बाद मुझे जो पीड़ा और मुझे जो मेरे बच्चों को, मैंने छोटे छोटे बच्चे थे, किस तरह से पाले हैं वो मैं खुद ही जानती हूँ। और वैसे स्थिति में पार्टी में काम किए, लेकिन हमको और मेरे बच्चों को कई ऐसे पीड़ा उनका सामना करना पड़ा। घर से अलग थलग, सम्मान नहीं मिला, ऐसे में मुझे काम करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में बाबा जो कि जब उनकी तबीयत ठीक थी तो हमको और मेरे बच्चों को देखा करते थे, लेकिन अब उनकी जो शारीरिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, जिसके कारण काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और हमको ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज का डेट में लेना पड़ा। ये मेरा जो निर्णय है, ये व्यक्तिगत निर्णय है, जो मुझे उस जगह पर बहुत पीड़ा और सम्मान नहीं मिलने की वजह से इतना बड़ा जो निर्णय मैंने लिया, ये अपनी खुद की निर्णय है। ये किसी तरह से ये नहीं समझा जाए कि राजनीति कोई षड्यंत्र है, ये मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। और जो मैं ये कहना चाहूँ कि मोदी जी का ये इतना बड़ा विशाल परिवार में मेरा आना, मोदी जी ने जिस तरह से देश और दुनिया में हमारे इंडिया का नाम को रोशन करने के लिए एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाए हैं, उसी उद्देश्य को लेकर के हमारे झारखंड का जो विकास है, तो मैंने यही एक रास्ता चुना है कि यहाँ का विकास होगा तो सिर्फ मोदी जी के विचारधारा से ही विकास होगा। कई ऐसे कामों को
जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई। उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूंगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किए। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है, कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महिलाओं को, आधी आबादी को, नारी शक्ति को जिस तरह से सम्मान देते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज हम ये निर्णय लिए, बहुत सोच समझ करके। जिस तरह से महामहिम राष्ट्रपति उड़ीसा की एक छोटे से गांव से आती है, उनको एक सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किए, प्रथम नागरिकता का दर्जा देने के काम किए, और लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह का 33% आरक्षण को पास किया गया, एक आधी आबादी महिलाओं को आगे आने वाले दिन में सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी मिसाल है। इसको देखते हुए सम्मान है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के सम्मान है, इसको मैंने यही देखा है। जब तक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तब तक पार्टी का नीति सिद्धांत एक सही ढंग से चलती थी। आज उनके नहीं रहने पर सभी इस सिद्धांत और मूल भावनाओं से भटक गए हैं। आज हम देख रहे हैं वहां दलालों का मनमानी चलता है। हर एक जिला में जब भी हम जाते थे दलालों से ही भेंट होती थी। अब ऐसे में झारखंड की धरती के हमारे जो यहाँ आदिवासी है, मूलवासी है, गरीब तत्व के लोग रहते हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, यहाँ लोगों का विकास कैसे होगा? ये झारखंड अभी तक अंधेरे में डूबा हुआ है। हमको इस अंधेरे को उजाले में लाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा, और आज हमको लग रहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो सपना है, वो भारतीय जनता पार्टी के
अधीन में ही और इसी के सिद्धांतों पर चलकर ही वो सपना पूरा होगा। और सपना है, उम्मीद है, सभी 14 के 14 लोकसभा सीटों में कमल का फूल खिलेंगे। और मोदी जी इस तरह के प्रयासरत हैं, दिन रात पूरा इंडिया के भ्रमण कर रहे हैं, तो जरूर आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हमारे जो 400 पार का गणित है वो बैठेगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।